ये पानी फिल्टर हो के इधर चैम्बर में निकलता है। छोड़ा अपना टैंक में आ गया, ये डायरेक्ट नहर से पानी आके पार्टीशन हो रहा है, जो हमारे सीधी नहर से आने के बाद पार्टीशन हो रहा है। तो डायरेक्ट इसमें ट्रीटमेंट में आ गया, फिर डायरेक्ट पानी आके इसमें डाइवर्ट हो गया, इस वाले उसमें। फिर ये किधर जाए? ये अब जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लान जो कैनाल रिवर के थ्रू आता है वो किस तरह ट्रीट किया जाता है और घरों में सप्लाई कैसे दी जाती है। ये डायरेक्ट नहर में आने के बाद इस टैंक में आता है, इस तरह दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पानी, और इसमें एलएम डाला जाता है जो सब पार्टिकल को डिस्ट्रैक्ट करता है। ये दो जो आने के बाद ये एलएम को मिक्स करता है, मिक्स प्रॉपर मिक्स होने के बाद वो पानी मिक्स होने के बाद वो अपना इसके सेंटर में जाता है। ये एलएमएल मिक्सर में से होने के बाद वहाँ सेंटर में पानी आता है, उसके बाद ये जो अपनी मशीन देख पा रहे हो ये 40 मिनट का एक चक्कर घुमाती है पूरा, उसके बाद पानी एलएम में होने के बाद इसमें आता है, ठीक है। वो होने के बाद थर्ड उसमें आता है ये पानी अपना, ये जो देख पा रहे हो ये पानी होने के बाद अपना जाता है फिल्टर हाउस में। ये अपना ट्रीटमेंट होने के बाद वहाँ अपनी सॉइल बैठ जाती है, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बैठने के बाद ये फिल्टर प्लांट में जाता है। ये अपनी मशीन 40 मिनट में एक राउंड निकालती है। उधर से ट्रीटमेंट होने के बाद अब ये अपना फिल्टर टैंक में पानी उधर से रोटेट होके आता है इधर, ये आप देख पा रहे हैं ये सब अपना फिल्टर प्लांट है। ये इतना बड़ा अपना मैश करीबन 2000 गज में अपना फिल्टर प्लांट लगा हुआ है। पर अपना ऊपर अपना फिल्टर प्लांट चैम्बर में से होके पानी इधर आता है, ये जो अपने बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं। ये पानी आप देख पा रहे हैं ये चैम्बर में से होके ये फिल्टर होके देन घरों में हम सप्लाई के लिए पानी को भेज देते हैं। ये अपनी गेट वाल वगैरह लगी हुई है, इस तरह का अपना फिल्टर यार्ड है पूरा पूरा। यहाँ पे प्योरीफाई होके इस वाले इन चैम्बरों में नीचे पाइप के थ्रू कनेक्शन पाइप के थ्रू सप्लाई के लिए भेजा जाता है। आज हम जा रहे हैं पानी के ट्रीटमेंट को जानने के लिए। ऐसे करीबन 15 से 20 रोटेशन वाले टैंक बने हुए हैं, ये वाला जो रोटेशन कर रहा है। इन मोटर की कैपेसिटी 20 हॉर्स पावर से लेकर 50 70 150 200 हॉर्स पावर तक इनकी कैपेसिटी है, जो कि पानी को थ्रो आउट करती रहती है रेगुलरली।